क्यों रो रहे हो? पर तुम मुझे बताओगे? नुकसान हो गया। आजा जेरू, बड़ी मुश्किल से आ रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं, संदीप जी तो जिम जा ही रहे हैं, साथ में हमारे देवर जी और इनके दोस्त दीपक जी सब जा रहे हैं, तो देखते हैं कि जिम ट्रेनर हमें अंदर आने देते या नहीं, क्योंकि जहाँ हम पहले जाते थे देहरादून में जिम, वो वाले ट्रेनर भैया तो हमारी पहचान के थे, दोस्त थे। अब ये वाले भैया तो अभी अभी मिले हैं, देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों के अंदर बहुत ज्यादा जुनून है, हद से ज्यादा भूत सवार है। तो एक्सरसाइज करके हम सब आप आ गए हैं। मैं शूट करने वाली थी बट मैं ऐसे फोन निकाल ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि यार अभी से अगर मैं शूट करूंगी तो लोग सोचेंगे कि यार ये जिम सिर्फ वीडियो बनाने आती है। तो बॉयज से पूछते हैं, बॉयज कैसा लग रहा है बताओ? बस मेरी तो हालत खराब हो रही थी, इसने तो बस वेट पकड़े हैं मेरे। नहीं नहीं, वो कर रहे थे, मैंने देखा उनको। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत एक बार तो मैंने स्कूल उठा दिए थे महंगे रोड के बदले, फिर मेरे को याद आया अच्छे तो रोड नहीं है, ये तो अपने ही दोस्त है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। जेरी हमारा थोड़ा सा वेट करना है, के लिए मैं ना जब भी बाहर जाता हूँ इसके लिए थोड़ी सी खिड़की खोल देता हूँ ताकि एयर पास होते रहे। तो सामने है बाला सुंदरी मैया का मंदिर, ये देखो। अभी आ रहा हूँ, वेट करना, ठीक है? ठीक है। तो गाइज अभी हम जस्ट आ रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस से, और हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, वो घर ही छूट गए, तो मैंने रीअप्लाई कर दिया है। क्या हुआ? आराम से। आज तो छप्पन भोग बन रखे हैं, पापड़ भी बना रखा। ये बन गया, थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। मस्त हो रहा। तो अब मैंने रीअप्लाई कर दिया है, अब वो 26 की डेट, 26 को जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस, तब तक डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। तो हर सो सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा, इसका खुद का भी रीअप्लाई कर रखा है। रीअप्लाई करने का नुकसान भी तो होगा ना कुछ ना कुछ? 6,000 रुपए, क्योंकि मैंने दो पहले क्यों नहीं पता करके आए थे कि ऐसा ऐसा भी होता है। अरे नहीं पता चला ना, उस समय हम गोवा में थे, जिस समय वो था डेट आई थी हमारी अपॉइंटमेंट डेट, उस टाइम पता नहीं था कि ऐसा वहां चेकिंग भी होती है। नहीं पता था ना मुझे, मुझे लगा था कि रीशेड्यूल हो जाएगा बट नहीं हुआ। तो अपने मैंने 2000 दिए थे, मेघा के भी 2000 गए और हरसू के भी 2000 गए, तो 6000 टोटल हो गया। फिर से 6000 रुपए पे कर दिए हैं, तो इस बार हो जाए। आई होप नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। तो आज खाने में बनाया भात, दाल, दाल कहीं की है, आलू मटर और पनीर और पापड़। आ जाओ तुम भी खा लो। पानी लास्ट में पियेंगे ना, खाने के पीछे पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद। प्यास लगती है तो कोई बात नहीं ना। अब जमीन में बैठ के खा रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे गद्दे रखे हैं जिसमें हर्ष और दीपक जी सोते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज ये गद्दे बेड के अंदर जाने वाले हैं और ये दोनों घर जाने वाले हैं। मुझे तुम दोनों की बहुत ज्यादा याद आएगी, सुन रहे हो? मेरे को थोड़ी सी कम आएगी, मैं तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जल्दी आना हर्षु प्लीज। दीपक तुम, अगर तुम्हारी स्ट्रीमिंग चल जाती ना, मैं तुम दोनों को जान ही नहीं देती। एक बार मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, दोबारा सगल नहीं दिखाता हूँ। क्यों क्यों नहीं आएंगे वो? दीपक तुम्हें अच्छा नहीं लगा ऐसे क्यों? तो स्ट्रीमिंग का है ना, मैं जिम भी जाएंगा 20 तारीख। हाँ उनका स्ट्रीम चलता है ना, इसीलिए फिर मैं लफू चक्कर हो जाता वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। खाना कैसा है भाई? दबे मस्त मस्त। कितनी जल्दी हो रही है इसको जाने की, देख रहे हो? तो अभी चलेगा, तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए और कुछ वीडियो शूट भी करनी है। चलो चलो, इसको लगता है इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको लगता है मुझे छोड़ देंगे ये लोग, जबकि मैं इसको रोज ले जाता हूं। हाँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट इन दोनों को घुमाने के लिए, क्योंकि इनका घूमने का बहुत ज्यादा मन है आज। और इसके बाद हर्षो मेरे को घुमाएगा स्टारबक्स, इसके बाद ये मेरे को स्टारबक्स घुमाएगा। हल्द्वानी के स्टारबक्स ले जाऊंगा जरूर। हाँ हल्द्वानी में स्टारबक्स में तभी तो ले जाऊंगा, बीएफसी के स्टारबक्स। असली में हम स्टारबक्स जा रहे हैं जेरी के लिए। जेरी क्योंकि जा रहे, चलो चलो कह रहा हूँ स्टारबक्स, चलो चलो जेरी के लिए हम स्टारबक्स जा रहे हैं, क्योंकि जेरी पिएगा वहाँ पपीचीनो। पपीचीनो पिएगा, जेरी आई नहीं रहा स्क्रीन में। जेरी पपीचीनो पिएगा। हाँ जेरी को पपीचीनो ही पसंद है ना जेरू। चलो 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 चलो, आजकल जेरी ना पता नहीं क्या सीख रखा है, ऐसे करके डायरेक्ट स्क्रीन में देखने की। चलो चलो जेरी सनरूफ में देखेगा। जेरी जेरी सनरूफ में चले जा, जा ले जा 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 सनरूफ खुल गई, जा जा ऊपर से नजारे देख। तुम लोग जू चलोगे? जू ना, हम ऑलरेडी घूम के आ रहे हैं। कहाँ? क्यों देहरादून? कब गए? क्यों मैं कितने बार गया हूँ? मैं भी एक बार गया था, कितने बार। अच्छा जू में कैसे जाएंगे? जेरी को लॉग नहीं करेंगे लोग, कहीं जेरी को भी, जेरी को जू में ही डाल देंगे लोग बाघ समझ के। ये देखो ये कौन है? शाहरुख खान। एआई क्या ऐसा हो गया? ये देखो ये कौन है? सल्लू भाई। सल्लू भाई है हमारे। यार एआई से क्या क्या हो जाता है ना आजकल। किसके फेवरेट हैं? मेरे मेरे भी तो फेवरेट है अक्षय कुमार। ये कौन है? रणवीर कपूर।
उसका नहीं पता, बट फर्स्ट में अक्षय कुमार। और सामने है पानीपुरी वाले, करे वहाँ अभी लोग खड़े हैं इसलिए हम जा नहीं रहे। वो देखो, वो देखो सामने पानीपुरी, वहाँ पर हमें खुद से ही लेनी पड़ती है, सेल्फ सर्विस है स्टारबक्स। और जेरी के लिए लाए हैं कैपुचिनो। अगर तेरे को पीनी है कॉफी जेरी तो सिट। जेरी बहुत बदतमीज हो गया, ये देखो कितना बदतमीज हो गया, कितना बदतमीज हो गया। तो ये आता है इसका कैपुचिनो, इसमें इसका नाम भी लिखा होता, देखना ये देखो इसका नाम लिखा है जेरी। तो कैपुचिनो होता है सिर्फ डॉग्स के लिए, इसमें सिर्फ व्हिप्ड क्रीम होती है विदाउट शुगर, और ये डॉगी इसको हमेशा अच्छे लगते। जेरी दे दे दे, गुस्सा करेगा देखना, दे दे वो देखो देखो दे दे। तो ये है मेरी, स्ट्रॉन्ग लेकर आया है ना। तो हमने अभी कॉफी मंगवाई है स्टारबक्स से, और इसके अंदर हमने कहा था आइस में डालना, बिल्कुल ही दूध ही दूध हो गया अभी। लेकिन बढ़िया हो रही है यार। आपने कुछ ज्यादा वो कराई है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्यों रो रहे हो? पर तुम मुझे बताओगे क्या हुआ, बताओ ना। याद आ गई यार उसकी यार। किसकी? जिसकी याद आ रही थी अभी, इतनी मीठी तो उसकी। किसकी होता है कि गलती जवाब में। अच्छा किसकी? जमाना बहुत बेमान है दोस्तों, एक किसी को याद आ रही है और रो रहा है और लोग हंस रहे हैं। माफ कर दो, इतनी मीठी था। ऐसी जुड़ी लोग मेरे पापा कहते हैं भयंकर। अच्छा ऐसी जुड़ी, एज अ फादर आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज, ये बच्चियों के लिए, ये बच्चियों के लिए रोऊंगा मैं। चलो कॉफी पीते हैं। क्या क्या होता है मैं हर्षो बीच बीच में। देखो लड़कियों, मेरा ना आप लोगों से ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो बच के रहना। जो भी है अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोच रही है, मैं हत्या कर देता हूँ जिन्हें। श्रुति ऐसी जोड़ी मिल ली है वो। बस करो बस करो, अपना रिश्ता खुद ही लेके जा रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, ऐसा लगता है तुम्हारे डीएम में भर भर के ही ऑफर आ जाएंगे। बहुत ही ऑफर आ रहे हैं दोस्तों, अभी भी मौका है आपके पास। अभी भी सिंगल हो? स्टिल आई एम सिंगल दोस्तों। हाथ में बैंक यहाँ नीरज लिख रहेगा, यहाँ संदीप लिखा, यहाँ मेगा भाभी लिख रहेगा। बताओ बताओ ऐसी जिंदगी चल रही मेरी। देखो एक गुड न्यूज हो गई, एक गुड न्यूज है हम लोगों की, तो सबकी कॉफी में आइस ऐड कर दी है, बट हर्ष उसके लिए फिर से कैपुचिनो लेके आ गए। और मेरी क्या कहते हैं कॉफी से वो हटा दिया व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम तो सबकी कॉफी से हट गई है, क्योंकि उसमें आइस मिक्स होती है ना। ये देखो अभी हम शूट कर रहे हैं, तो जेरी को इतनी मुश्किल से मना के बुलाना पड़ रहा है, ये आ ही नहीं रहा है इधर। जेरी के लिए साजी सची रचना पड़ी है। ये देखिए देखिए ऐसे करके बुलाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। ये देखो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये देखो आ जाओ, आ जा, आ जा। बड़ी मुश्किल से आ रहा है यार। जेरी क्या करता है ना, जब भी वीडियो बनानी होगी तब तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा जैसे उससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो। तो आज सुबह से थका देने वाला दिन था, इसलिए हम लेट उठे। लेट तो क्या उठे, मैं तो टाइम पे जिम भी चले गया था, ये मेगा उठी ही नहीं। मैं इसलिए नहीं उठी क्योंकि मेरी नींद आज पूरी नहीं हो रखी थी, कल रात रात भर ये स्क्रिप्ट लिखने में लगी थी। और गाइस पता है क्या, अब मैं जिम जा रहा हूँ रेगुलर। मैं पता है क्या प्लान कर रहा हूँ, क्या कि तुम तो आने वाले हो नहीं जिम, तुम्हारा मेरे को पता ही है। नहीं नहीं मैं आऊंगी। तुम दो दिन आते हो फिर गायब रहते हो। एक्चुअली मैं बेबू, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी हम रात को लेट वर्क करते हैं तो हम लोग की नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से हम लोग जिम नहीं आ पाते। जिम वाले ऐसे नहीं होते, इसलिए मैंने डिसाइड कर रखा है जहां मैं सबसे पहले जाता था जिम, यहां वहां मैं जाऊंगा साइकिल से। साइकिल भी यूज नहीं हो रही, इसी बहाने मेरा कम से कम कैलोरीज तो वो होगी। ठीक है मैं भी अपने लिए साइकिल ले लूंगी, जहां तुम जाओगे मैं वहीं आऊंगी। मैं ना 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 मेरे को नहीं चाहिए ऐसा साथी जो क्या कहते हैं दो दिन आएगी फिर मेरे को खुद आलस से आएगा तुम्हारे चक्कर में। इससे अच्छा मैं अकेले ही जाना पसंद करूंगा, के अलावा हम डांस क्लास चले जाएंगे चाहे, लेकिन ना ये नहीं। और ये साड़ी देखो, साड़ी कैसी पहन रही इसने। एक्चुअली इस साड़ी मुझे मेरी चाची ने दी थी, इसमें परसों यार गलती से चॉकलेट गिर गई, सॉरी चाची इफ यू आर वाचिंग, मैं इसको फिर से धोऊंगी। चलो देखना मैं साड़ी कैसे उतारती हूं। ये देखो क्लीन करने के मस्त करके ऐसे साड़ी पहनो ना यार। गाइस क्या आप लोग भी इतनी मेहनत करते हो मेरी तरह, ऐसे इसको अरे ऐसे नहीं रखूंगी यार, मैं साड़ी को अच्छे से रखती हूँ। हैंड टू हैंड मैंने साड़ी भी फोल्ड कर। एक काम करो तुम फोल्ड करो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे गोवा जा रहा हूँ। ये है पनीर की भुर्जी, ये देखो, और ये है मडवे की रोटी। पहाड़ों में मडवा मिलता है ना,
तो मम्मी ने भिजवाया था, तो मम्मी ने दिया था आते वक्त, तो उन्होंने कहा कि इसको खाना, इससे क्या होता है ना शुगर वगैरह की बीमारी जिसको होती है उसको ठीक करने के बहुत चांसेस होते हैं। और मेथी दाने का और जीरे का पानी भी शुगर वालों के लिए बहुत सही होता है। मेथी दाने और जीरे को आप एक केटल में एक एक चम्मच डाल के बॉइल कर लो अच्छे से, या फिर इंडक्शन में गैस और उसके बाद उसका पानी पी जाओ उसको छान के। तो देखो आजकल हमारी जो डाइटिंग चल रही है ये ऑलिव ऑयल वो BCAA है, तो मैंने क्रिएटिन स्टार्ट कर दिया है लेना, अभी 2 ही दिन और के लिए हुए, तो मैं सोचा क्रिएटिन से जरा बॉडी सॉडी बनाई जाए। और ये ओवन का पीता हूँ मैं। क्या चाहिए, क्या मतलब नहीं, क्या है आपका मतलब? इसको ना मैं अभी वॉशरूम से लेकर आया हूँ। हाँ। मैंने इससे कहा कि घूमने चलते हैं, तो बस तब से एक बार इसके यहाँ पे बैठ जाते हैं, जरा एक बार बैठ के देखते हैं क्या करते हैं। चलो एक बार मैं इसको बोल देता हूँ ना घूमने चले ना। फिर ऐसा डांट रहा है। नहीं क्यों नहीं जाएंगे आज नहीं जा रहे हैं। आज नहीं जा रहे हैं। अब चले कहते हूँ चले चलो 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 देखो अभी बहुत समस्या है जस्ट अभी। तो अभी हम जा रहे हैं हर्ष और दीपक को ड्रॉप करने बस स्टेशन, और बहुत बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि मैं तो भयंकर सस्पेंस में हूँ, काश मेरे बगल में कोई खूबसूरत सी लड़की बैठ जाए। अच्छा तुम ये सोच रहे हो और मैं सोच रही हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है हर्षू जा रहे हैं। देखो बुरा तो मेरे को भी लग रहा है, बट क्या है ना जीवन इज छोटी सो वी हैव टू खुश रहे, खुश तो रहो पर हाँ। अपने कोई घर से जाए तो बुरा तो लगता ही है। बुरा लगना चाहिए, मतलब बुरा मुझे लग रहा है बट मैं दिखाता नहीं हूँ। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है बाहर, हो रहा है भयंकर, अक्से बढ़ जा रहा है करके। कोई बात नहीं, इट्स ओके। और दीपक तिवारी जी भी अल्लाह ने भी दाड़ मार रहे हैं। दोस्तों बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, देखो एकदम बेईमान मौसम हो गया है, बिजली भी गड़क रही है, एकदम चमक रही है, आसमान गूंज रहा है बादलों की गड़गड़ाहट से। तो हर्षू जा रहे हैं फाइनली और ये आएंगे 25 को। आई विल वेट फॉर यू, टेक केयर। तुम गाड़ी में बैठो मैं छोड़ के आता हूँ। चाबी आप ये लगा लो मास्टर वाले ना, एक चाबी है इसके भी पकड़ ले। भाई दीपक जीते रहना, गॉड ब्लेस यू, जल्दी आना ठीक है हर्षू के साथ।